जैसे एक ऐसा एपिडेमिक जिससे पूरा देश आज सीहर के बैठा हुआ है, लॉकडाउन लग चुका है, कर्फ्यू जैसा माहौल सारी जगह पे देखने को मिल रहा है और जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारी लो पॉवर्टी से लोग नीचे रहते हैं उनको सामान लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सामान नहीं ले पा रहे, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है कि लोगों को यहाँ पर राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे कैप्टन साहब की फोटो भी इसमें शो की गई है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक सोशल वर्कर से और जानते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है डेली बेसिस पे ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सही तरीके से चला सकें। जी सर, आप बताइए यहाँ कितने लोगों को अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पे राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हम लोग पहले संस्था की जो नौजवान सभा है यहाँ से, उनसे हम लोग पहले लंगर अपना तैयार करवा कर शाम को डेली उनके क्वार्टरों में जा रहा था प्रवासी मजदूरों के, जहाँ पर भी किसी चीज़ की कमी ना आवे, जहाँ पर संधु परिवार हैं, जो टीम है पूरी बनी हुई। अब जो संस्था द्वारा कह रहा जाए पीछे बोलर जाला रहा भी कैप्टन साहब की फोटो लगी है पीछे, लोग ये कह रहे थे सरकार क्या कर रही है, उसी ढंग से लिए हम लोग ये बनाकर दे रहे हैं। फिर पूरा सरकार का ये मनोरथ है, भारत भूषण आशु जी द्वारा पहले उन्होंने अपने ढंग से किया, लेकिन और देते देते कहते हैं भी हरेक घर में पहुंचना है, कोई भी बंदा किसी अनाज से भूखा ना रहे। ये हमारे प्रशासन से टीम है पूरी जा रहा है, ये नहीं है भी इसको कोई मिसयूज करे है, जिसको लोड है उसके घर में जाए, सबसे बड़ी ये है बात, क्योंकि लोग घरों में ना भरे वो भी हम निवेदन करते हैं और अपने घरों में रहें, सभी से निवेदन विनती करते हैं, जितने आप घरों में रहोगे हम लोग आपके घर घर तक पहुँचाएँगे, ये आपके जरिए हम लोगों को कहना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम कहते हैं भीड़ मत जमा करो, प्रवासियों को बेनती करते हैं यहाँ पर ना आओ, आपके क्वार्टरों में ही पहुँचेगा, देर है एक दिन लेट आ जाएगा, आएगा जरूर, ये नहीं है भी कोई भूखा नहीं सोने देंगे, किसी के जहाँ बनकर जाएगा, किसी के जहाँ सूखा राशन जाएगा, जो अपने परिवारों में बच्चों को खिलाएँ। इसी करके हम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवाद भी करते हैं और जो लगे हुए हैं पूरी टीम है उनकी, जो मंत्रिमंडल पूरा जोर से लगे हैं, सारे इलाका निवासी हैं और संस्था मान का भी धन्यवाद करते हैं जो रात भर दिन सेवा के लगे लगे हुए हैं, है धन्यवाद। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसेस को ये लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं और आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर? ये लोग असल विच जिहड़ियां संस्थावां राशन नूं वंड रहीयां ने इह कर रहीयां ने मेनटेन। कैप्टन साहब ने सानूं अज राशन भेजिया, मंत्री साहब आशु जी ने, रवनीत सिंह बिट्टू जी, कड़वल जी, बाबा जी, ये सारे मिलके बहुत अच्छे तरीके नाल चला रहे ने और असी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घर घर तक पहुँचाया जाए और फिर भी जो जनता को पता लगता वो आँदी है, पर साड़ी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह अपने घर रहन, असी घर उन्होंने राशन पहुँचता करांगे, ते हर जो भी उन्होंने चीज़ की जरूरत है सानू कॉल करन, असी अपने नंबर दिते हुए ने, साड़ियां संस्थावां जुड़ियां हुई ने, बाबा विश्वकर्मा फाउंडेशन जुड़ी हुई है और सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके नाल कर रहे ने, साडे लुधियाना निवासी बहुत अच्छे तरीके नाल इन्हां चीज़ां नू मेनटेन कर रहे ने, कोई भी लोग भुखा नहीं सोऊगा, ये साड़ी जिम्मेवारी है। एक चीज़ मैम बताइए, आपके हाथ में एक फॉर्म देख रहे हैं और जहाँ पे जो अभी हमने लाइन भी देखी तो उनके हाथ में हमने आधार कार्ड देखा, क्या आधार कार्ड पे बेसिस पे यहाँ पे लोगों को सामान प्रोवाइड करवाया जा रहा है? हाँ जी, साड़ी यही एक कोशिश है कि आए ना हो कि एक बार ही बारी बारी वो घर ही राशन जाई जाए, असी आधार कार्ड ले लिया, अगले 15 दिन बाद फिर उन्होंने घर राशन जाएगा और जो बंदे के घर राशन नहीं गया नेक्स्ट टाइम वो घर राशन जाऊगा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, असी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जोड़े साढ़े चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने धन्यवाद करते हैं इस आपदा की, इस बहुत ही बुरे टाइम की घड़ी के उन्होंने पंजाब के सारे लोगों वास्ते, गरीब लोगों वास्ते, प्रवासियों वास्ते जी ये पैकिंग बना के खाण पीण के समान की दिती है, वो बहुत वड्डी राहत मिलू, तो इस दुख की घड़ी के चीज़ बहुत जरूरी सी, असी स्पैशल तौर पर उचेचे तौर पर इलाका निवासियों वालों उन्होंने धन्यवाद करते। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ कुछ सोशल वर्कर्स कैप्टन अमरिंदर साहब की तरफ से, यहाँ पे जो लोग अंडर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनको डेली बेसिस पे राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उनको बस अपना आधार कार्ड यहाँ पर लाने की ज़रूरत है और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी घर में किसी भी लोगों को भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सा स्टेप है, होपफुली ऐसी सेवा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्कर्स बाहर निकल कर इन लोगों की सहायता करेंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।